चंबा जिले में होने वाले राज्य स्तरीय खेलों में अच्छे प्रदर्शन को लेकर कांगड़ा के बच्चे फतेहपुर के रहन खेल मैदान में कोचिंग ले रहे हैं। इस बात की जानकारी पीटीएफ संघ के जिला सचिव दीप धीमान व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बलवंत सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले में 5 दिवसीय अंडर 12 राज्य स्तरीय खेलों की शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी, जिसका समापन 2 नवंबर को होगा। खेल प्रतियोगिता के लिए कोचिंग कैंप लगा हुआ है जिला कांगड़ा का। इसमें जिला कांगड़ा के 19 खंडों से सिलेक्टेड प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही होंगे, साथ में एथलेटिक्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। जो बच्चे यहाँ से चयनित होंगे उनों को हम 28 अक्टूबर को चंबा के लिए लेकर जाएंगे। जिला चंबा में 29-10 कांगड़ा के सभी 19 ब्लॉकों से जो सिलेक्टेड बच्चे थे वो आए हैं। स्टेट लेवल की टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हुए 24 को जहाँ आए हैं जी, 28 दोपहर तक जहाँ रुकेंगे और उसके बाद में जहाँ से चंबा स्टेट लेवल टूर्नामेंट के लिए जाएंगे। यहाँ पे 95 बच्चे आए हुए हैं इस वक्त जी। 28 को आफ्टरनून में हम वहाँ पे। जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा से चयनित प्राथमिक बच्चों का जिला स्तरीय कोचिंग कैंप राजकीय प्राथमिक पाठशाला रहन के खेल मैदान में 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है, जिसमें 95 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। कैंप में बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 1500 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, लंबी कूद, ऊंची कूद इत्यादि खेलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका।